हरे कृष्णा राधे राधे। मैं भक्ति सुरवी आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 20 जुलाई 2021 को देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षीय एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा मान्यता है इस दिन से भगवान शिव विष्णु शयन के लिए जाते हैं और इससे ठीक चार महीना बाद देव उत्थानी एकादशी के दिन वो शयन से उठते हैं। इसी दिन से चातुर्मासीय व्रत का भी आरंभ होता है। इसी देवशयनी एकादशी से जुड़ी जो कथा है वो कथा अब हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षीय एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, कृपया आप मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को जो आश्चर्यजनक कथा सुनाया था वही कथा अब मैं आपके सामने रखूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ये एकादशी व्रत सर्व पाप विनाशिनी और सबसे पवित्र व्रत है। सकल पाप विनाश हेतु ये विष्णु व्रत पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षीय एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी एकादशी से जुड़ी एक मंगलमय पौराणिक कथा है, वही कथा अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत साल पूर्व सूर्य वंश में एक सत्य प्रतिज्ञा चक्रवर्ती राजा थे जिनका नाम था मंधाता। उनके राज्य में परम सुख था। वो अपने राज्य के सभी प्रजाओं को अपनी संतान की तरह पालन करते थे। उनके राज्य में कोई भी तरह का दुख, रोग आदि कोई भी अन्याय आचरण नहीं था। ऐसे ही बहुत साल बीत गया। एक समय उस राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हुआ था, जिसके फल स्वरूप उस राज्य में कोई भी तरह का यज्ञ या वेद पाठ सब बंद हो गया था। उसके बाद उस राज्य के सभी प्रजाएं महाराज के पास आए और उनसे निवेदन किए, हे महाराज, कृपया आप हमारी बात सुनिए। जल को शास्त्र में नर कहा गया है और उसी नर में भगवान आयन करते हैं, यानी कि निवास करते हैं, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। जल से अन्न और अन्न खाके ही प्रजागण अपना जीवन धारण करते हैं। अन्न के अभाव होने के कारण प्रजाएं क्षय प्राप्त है, इसलिए हे महाराज, आप कृपया ऐसा कोई उपाय अपनाइए जिससे प्रजागण का कल्याण और राज्य में सुख और शांति साधित हो। ये सुन के राजा मांधाता कहते हैं, आप लोग सही कह रहे हैं। अन्न से ही प्रजाओं का उद्भव और अन्न से ही प्रजाओं का पालन, और इसी अन्न के अभाव से प्रजाएं विनष्ट होते हैं और राजा के दोष से भी राज्य नष्ट होता है। लेकिन मैं अपनी बुद्धि से अपनी कोई गलती नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, फिर भी अपने प्रजाओं के कल्याण के लिए मैं पूर्ण कोशिश करूंगा। फिर राजा मंधाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने सैनिकों के साथ वन के लिए निकल पड़ते हैं और वन में जाके उपस्थित होते हैं। वहां उपस्थित होके राजा मंधाता प्रधान प्रधान ऋषियों के आश्रम में जाते हैं। ऐसे ही भ्रमण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में जाके वो उपस्थित होते हैं। महर्षि का दर्शन पाने के बाद महाराज बहुत ही आनंद के साथ उनका चरण वंदन करते हैं। महर्षि उनको आशीर्वाद देते हैं और वहां आने का कारण पूछते हैं। फिर महाराज उनको विस्तार में सब कुछ वर्णन करते हैं। महर्षि अंगिरा कुछ देर ध्यान मग्न होने के बाद कहते हैं, हे राजन, ये सत्य युग है, इसमें सभी वेद परायण और ब्राह्मण के अलावा कोई तपस्या नहीं करता है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसके ही अकर्म के वजह से आपके राज्य का ये दुर्दशा है। उसका हत्या कर देने से सकल दोष दूर हो जाएगा। तब राजा कहते हैं, हे मुनिवर, तपस्याकारी निर अपराध व्यक्ति को मैं कैसे बध करूं? मेरे साध्य और कोई उपाय हो तो कृपया आप मुझे बताइए। मुनिवर कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षीय एकादशी व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप में आपके राज्य में बारिश होगी। ये एकादशी व्रत सर्व पाप विनाशिनी है और मुक्ति प्रदायिनी है। मुनिवर की बात सुनने के बाद राजा अपने राज्य में लौट के आते हैं और अपने परिवार और राज्यवासियों के साथ आषाढ़ महीना आते ही आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षीय देवशयनी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत बारिश होती है। कुछ काल बाद ही अन्न का अभाव दूर हो जाता है और प्रजाजन सुख के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। ये एकादशी व्रत सर्व पाप विनाशिनी और मुक्ति प्रदानकारी है, इसलिए ये एकादशी व्रत पालन करना सबका कर्तव्य है। भविष्यत्तर पुराण के श्री युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में वर्णित है। यही थी कथा पवित्र देवशयनी एकादशी का
अगर आप लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करते तो आप लोग देवशयनी एकादशी के शुभ दिन से एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।